राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन उत्तर प्रदेश के बैनर तले सोमवार को मोहद्दीपुर स्थित विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के संबंध बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर जूनियर इंजीनियर धरने पर बैठे रहे। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि जूनियर इंजीनियरों को बिजली फॉल्ट से संबंधित उपकरण मुख्य अभियंता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण समय पर फॉल्ट ठीक न हो पाने के कारण नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हमको नागरिकों से दो चार होना पड़ता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर और राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, अजय कुमार, प्रांतीय अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन। ऐसा है, इस समय हमारे बरसात का मौसम है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, न खंभा है, न तार है, न उसके साथ लगाने वाले कोई संसाधन नहीं है। मुख्य अभियंता कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, जनता परेशान है, जनता के परेशान होने की वजह से जनता शिकायत कर रही है। जब जनता को बिजली सही से नहीं मिल रही है, जब व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो इधर उधर जेईओं का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन है कि हमें व्यवस्था दें, व्यवस्था के हिसाब से अगर मिलेगी व्यवस्था तो बेहतर विद्युत आपूर्ति जनता को होगी और जनता को परेशानी नहीं होगी, इसलिए कोई शिकायत भी नहीं होगी। सारी समस्या का जड़ है कि सामान मुख्य अभियंता मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और अपने काम से भागना चाह रहे हैं। कोई इनका मतलब मैनेजमेंट नहीं है, व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं दे रहे हैं और लोगों का उत्पीड़न सिर्फ करना चाह रहे हैं बस, और कोई बात नहीं है।